गाइस तो हम निकल पड़े हैं हमारे नए वीडियो के लोकेशन पे। तो वो जो भी लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और बहुत ही प्राचीन लोकेशन है। गाइस हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे लोकेशन की तरफ। तो अभी तो लोकेशन बहुत दूर है, तो इसके लिए सारे रास्ते का व्यू मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मिलेंगे, हमारे डायरेक्ट लोकेशन पर मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय। वेलकम वागा हो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से आ गया है हमारा नया वीडियो और इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी सालों से एक्साइटेड था। बचपन में मैं इस जगह पे आया था और आज फिर से मुझे एक चांस मिला है यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन में आया था जब काफ़ी छोटा रहूँगा, मुझे शायद याद भी नहीं है मैं कितना छोटा था। उस वक्त मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। तो इस प्लेस मतलब ये प्लेस विज़िट करने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मतलब वो टाइम से मेरे दिल में ये चाहत थी कि मैं फिर से एक बार यहाँ पे आऊँ। पे रहते थे वहाँ से ये प्लेस काफ़ी दूर था, तो इसलिए जल्दी हम यहाँ पे आ नहीं पाए। तो आज बहुत सालों के बाद ये मुझे मौका मिला है, जिस दिन का मैं काफ़ी सालों से एक्साइटेड आज मुझे वो मौका मिला है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कौन सी जगह है वो तो शायद आपको पता चली गई होगी, पर इसका पूरा डिटेल इसका इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियो। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर अंबरनाथ है और अंबरनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह अमरेश्वर शिव मंदिर प्रस्थापित है, जिसका निर्माण 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिसको बनाया गया था शहर के राजा चित्त राजा ने, जिसको पूरा किया था उनके बेटे मोनी ने। दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने मिलकर केवल एक रात में एक ही पत्थर से कोरी काम करके किया था। इस मूर्ति के अलावा इसमें और एक खास बात है, और वो ख़ास बात यह है कि इस मूर्ति में शिव, विष्णु, महेश और सूर्य, इन चारों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। इस शिव मंदिर के अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है जो आप देख सकते हैं। हमने अंदर प्रवेश किया है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे। तो अंदर का तो सीन शायद मैं ना दिखा पाऊँ,
आज का हमारा जो वीडियो था ये आपको कैसे लगा वो आप ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।